उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में किसानों ने सिंचाई विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरयू नहर परियोजना को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग के अफसरों ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान अधिकारियों ने धोखाधड़ी करके दो मृतक किसानों की जमीन को फर्जी तरीके से अधिग्रहित कर लिया और उसका भुगतान मृतक के वारिसों को देने के बजाय खुद हड़प गए। अब किसान इस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन्होंने 2010 में फर्जी कागजात, नहर विभाग ने फर्जी कागजात तैयार करके उसका भुगतान ले लिया। हम लोगों को पता भी नहीं चला कि हमारा खेत अधिग्रहण हो गया है, जबकि उनकी मृत्यु 2004 में हो गई थी। उनका खेतौनी से नाम 2005 में ही कट गया था, उनके बच्चों के नाम खेतौनी आ गई है, तब भी इन्होंने 2010 में फर्जी अधिग्रहण कर लिया है। इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे इसलिए बैठे हैं जी कि नहर विभाग वाले ने काला कार्ड लंबा कर लिया है, हमारी जमीन सारी हड़प कर लिया, पैसे निकाल के खा गए हैं। और हमारे 6 बीघे जमीन पे उन्होंने 16 बीघा लगा दिया है, तो हमारे बच्चे क्या खा लेंगे? वो रोज को रोज खोदने के लिए आ रहे हैं, हम जमीन के पीछे जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। और ये रोज के रोज धमकी देते हैं कि हम नहर खोद लेंगे, हमारा जमीन है, और सारा पैसे निकाल के खा गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए।